वार्तालाप हुई है पार्षदों की, आखिर किन मुद्दों को लेकर? समाजवादी पार्टी के आज पार्षदों ने और निर्दलीय पार्षदों ने यहाँ जो एई हैं पीके सिंह जी, उनसे मुलाकात की और बजट बैठक में जो हम लोगों ने पार्षदों ने जो हेडपंप रिबोर के नाम पर 51 लाख रुपए का गबन जो प्रकाश में आया था उसके लिए हमने बजट बैठक में इनसे साक्ष्य की मांग की थी। तो महापौर ने हमें ये भरोसा दिलाया था कि अगले दिन फिर वही मीटिंग होगी और मीटिंग में सारे साक्ष्य पार्षदों को उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन बजट मीटिंग होने के 1.5-2 माह बाद भी महापौर को जैसे कोई अधिकारियों से पैसा ले लिया या इस खेल में खुद शामिल हो गई, उन्होंने आज तक पार्षदों को कोई न मीटिंग बुलाई, न कोई बोर्ड की मीटिंग बुलाई, न कोई साक्ष्य उपलब्ध कराए। दूसरी चीज, यहाँ नगर निगम में वाटर वर्क्स में वर्कशॉप विभाग में तेल का बहुत बड़ा घपला चल रहा है। 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रतिदिन का यहाँ तेल फर्जी बिल बनकर निकाला जा रहा है और इस खेल में महापौर पूरी तरीके से संलिप्त है। मैं अपनी फेसबुक के माध्यम से कई बार इस बात की मांग कर चुका हूँ महापौर से कि पार्षदों की एक जांच कमेटी बनाई जाए और उनके सामने ये तेल जाए तब पता चलेगा ना कितना है। लेकिन महापौर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही क्योंकि वो खुद इसमें संलिप्त है, इस चोरी में संलिप्त है। महापौर का ध्यान केवल अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है। शहर का विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, गली गली बिल्कुल गड्ढे भी भरे नहीं जा रहे, बड़ी स्थिति खराब है। किस तरह का ये मामला प्रकाश में आ रहा है, क्या मांग है आपकी, किस तरह की बैठक कराने की मांग कर रहे हैं? हमारी तो यही मांग है कि जो भी काम निगम में किए जा रहे हैं उसकी पारदर्शिता हो, पार्षदों को भी मालूम पड़े क्या कर रहे हैं, क्या लोग नहीं कर रहे हैं। ये सब लोग घपला कर रहे हैं जिसमें कि अधिकारी और मेयर महोदया पूरी तरह संलिप्त हैं। यहाँ तक कि मेयर महोदया का कमीशन भी फिक्स हो चुका है, 5% कमीशन मेयर महोदया वाटर वर्क से ले रही है और 3% कमीशन लड़का से ले रही है। तो ये जो हमारी मेयर महोदया जी हैं ये पूरी तरह से जेब भरने में लगी हुई हैं और अपनी लग्जरी लाइफ जी रही हैं। जनता क्या कर रही है, परेशान है, त्रस्त है, कहाँ पे क्या मजबूत परेशानी जनता की, उन्हें से कोई परवाह नहीं है। सिर्फ फोटो खिंचाने से मतलब है, उन्हें झाड़ू पकड़ के सिर्फ फोटो खिंचाने से मतलब है। अगर वो वास्तव में झाड़ू लगाना चाहती हैं तो एक दिन पार्षदों के साथ समाजवादी पार्टी के पार्षद और निर्दलीय पार्षदों के साथ झाड़ू लगा के दिखाएं तो मैं मानूं कि वास्तव में ये स्वच्छता अभियान चला रही है। सब ड्रामा ढकोसला है, योगी जी हो चाहे कोई हो, ये ऊपर से लेके सब नीचे तक ये सब ढकोसले में संलिप्त हो चुके हैं। मैं तो यही कहना फिर दोबारा अपनी बात दोहराता हूँ, अगर मेरे महोदया वास्तव में सफाई के साथ और निर्दलीय पार्षदों के साथ ऐसा है। हमारे पार्षद महोदय देशदीपक जी और मोहन जी ने जो बात कही है बिल्कुल सत्य है। इसके बावजूद जितने भी ऑपरेटर हैं और जितने भी सफाई कर्मी हैं ये लग रहे हैं, हट रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मेरी सब अधिकारियों से, महापौर जी से ये निवेदन है, जो भी हटे या लगे वो भी पार्षद की नज़र में होना चाहिए, किसको हटा दिया किसको लगा दिया पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। अब आप लोगों की मांगें पूरी नहीं हो तो आगे कदम किस तरह कराएगा आप लोग? भाई हमारे पास तो एक ही हथियार है, धरना। धरना के अलावा कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। अगर हमारे काम नहीं होगा तो धरना होगा।